इट्स मी अदिति, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक्चुअली बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली लास्ट वीक मेरा स्किप हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट लास्ट वीक नहीं, एक्चुअली दो वीक आफ्टर टू वीक्स आई एम मेकिंग अ वीडियो। सो एनीवे, सो आज मैं आपके साथ शॉल पेंटिंग शेयर करने वाली हूँ। और ये पेंटिंग बहुत ही ईजी है, ये आप शॉल के ऊपर, स्काफ के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर, किसी के भी ऊपर बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, पहले तो हम लोग डिजाइन ड्रॉ करके लेंगे, और डिजाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक पेपर चाहिए और एक पेंसिल चाहिए, और पेपर यहाँ पे हमें थिक चाहिए। मैंने यहाँ पे टिके शीट लिया है, आपके पास कौन सा भी थिक पेपर होगा वो ले लीजिए आप। थिन पेपर मत लो, बिकॉज फिर हमें ये डिज़ाइन कट भी करनी है, तो अगर आप थिन पेपर लोगे तो वो पेपर फट सकता है, इसलिए प्रेफर थिक पेपर। एंड देन हमें इसके ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ करनी है, जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए वो हमें इसके ऊपर ड्रॉ करनी है। अभी मुझे यहाँ पे फ्लावर बनाना है, तो मैं रोज़ बना रही हूँ। यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो आप इसके ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। सो बेसिकली हम इसको पहले ड्रॉ करेंगे, एंड देन हमें इसको कट आउट करना है, सो दैट हम लोग ये हमारे शॉल के ऊपर, या फिर स्कार्फ के ऊपर, या दुपट्टे के ऊपर, या साड़ी के ऊपर, किसी के भी ऊपर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे शॉल के ऊपर ही आपको प्रिंट करके दिखाने वाली हूँ, बट आप ये मेथड यूज़ करके किसी भी कपड़े के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हो। सो गाइज, अभी हमारा ये रोज़ ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। सो अभी हमें इसे कट आउट करके लेना है। आप पेपर कटर से या फिर ब्लेड से कट कर सकते हो, बट हाँ, बी केयरफुल, हाथ वाथ काट मत लेना। अगर आप छोटे हो तो किसी बड़ों को बोलो कट करने के लिए। सो गाइज, कट आउट इज़ डन, और अभी हमें बस इसको साइड से ऐसे स्क्वायर करके कट करके लेना है, सो दैट हमें पेंट करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। सो बस हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है स्केल से। अभी मेरे पास स्केल नहीं थी, इसलिए मतलब थी बट कहाँ रखी थी वो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने फिर कटर से लाइन मार दी। और अभी हमारा ये रेडी है, अभी बस हमें प्रिंट करना है। अभी कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर लिया है रेड, और फिर हमें यहाँ पे एक स्पॉन्ज भी चाहिए। अभी इतना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। ओके, सो गाइज, अभी हमें बस जो हमारा स्टेंसिल है, जो हमने स्टेंसिल बनाया है, उसको बस फैब्रिक के ऊपर प्लेस कर देना है। जहाँ पे भी हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ पे प्लेस कर दो, और फिर जो स्पॉन्ज है उसको कलर में डिप करके बस इसके ऊपर हमें डैप डैप करना है, दैट्स इट। एंड देन हमारी ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगी, एज यू कैन सी इन द वीडियो। बस हमें ऐसे ही करना है, बस इसमें कोई मेहनत नहीं है, बस हमें स्टेंसिल बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, दैट्स इट। और फिर बस इसको हमें कपड़े के ऊपर रख के बस डैप डैप करना है, एंड देन हमारी डिज़ाइन बन जाती है। एंड गाइज, वन मोर थिंग, अगर आप किसी कपड़े के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हो, आई मीन कलर कर रहे हो, तो उसके नीचे आप कार्डबोर्ड या फिर पेपर ज़रूर रखना। अभी मैंने तो यहाँ पे पेपर रखा है, मेरे पास कार्डबोर्ड था बट वो थोड़ा सा छोटा था, तो इसलिए मैंने पेपर रखा है। सो गाइज, एज यू कैन सी कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी है, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आई। तो अभी बस हमें जहाँ जहाँ पे डिज़ाइन चाहिए वहाँ पे हमें स्टेंसिल प्लेस करके वहाँ पे हमें प्रिंट करके लेना है, दैट्स इट। एंड हाँ गाइज, अब कलर में ज़्यादा वाटर ऐड मत करो, ज़्यादा क्या, आप वाटर ऐड ही मत करो, चाहिए तो मीडियम ऐड करो। अगर आपका कलर थोड़ा सा थिक है तो आप मीडियम ऐड कर सकते हो, बट वाटर ऐड मत करो।
सो गाइज आर डिज़ाइन इज रेडी एंड ऐसे ही सेम डिज़ाइन मैंने इसके अपोजिट साइड पे भी की है और ये हमारी हैंड प्रिंटेड शॉल रेडी है। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर आपको इस तरह के वीडियो देखने पसंद है तो, एंड साथ ही में बेल बटन को भी प्रेस करो सो दैट मेरे हर आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी ऑन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।